दोस्तों, भारत में 1 अक्टूबर 2022 से टोकनाइजेशन लागू हो गया है। लेकिन क्या है ये टोकनाइजेशन और क्या फायदे हैं इसके और कैसे काम करता है, जानते हैं इसके बारे में और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए शुरू करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनीता शर्मा और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, कोरोना काल से डिजिटल लेन देन ज्यादा हो गया है, लेकिन जितना इससे फायदा हुआ उतना ही लोगों के मन में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डेटा लीक होने का डर रहता था, क्योंकि कार्ड होल्डर्स का डेटा मोबाइल ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स और एग्रीमेंट्स की वेबसाइट पर सेव हो जाता था और इन साइट्स का डेटा लीक होने की स्थिति में ग्राहकों की गोपनीय जानकारी गलत हाथों में जाने का खतरा रहता था, जिससे साइबर क्राइम की आशंका बढ़ जाती थी। लेकिन टोकनाइजेशन प्रोसेस के आने के बाद डेटा लीक होने के चांसेस लगभग खत्म हो गए हैं। दोस्तों, इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए और कार्ड होल्डर्स के डेटा लीक होने से बचाने के लिए RBI ने ये एक ठोस कदम उठाया है। टोकनाइजेशन प्रोसेस के आने के बाद डेटा लीक होने के चांसेस लगभग खत्म हो गए हैं। तो दोस्तों, क्या है ये टोकनाइजेशन और यह कैसे काम करता है? दरअसल दोस्तों, टोकनाइजेशन संवेदनशील यानी सेंसिटिव डेटा को गैर संवेदनशील डेटा में बदलने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्रेडिट और डेबिट कार्ड की पर्सनल डिटेल्स को एक यूनिक कोड में बदल दिया जाता है। इस कोड के इस्तेमाल से कोई भी ग्राहक अपने थर्ड पार्टी ऐप यानी QR कोड या पॉइंट ऑफ सेल पर कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट कर सकेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसे अगर आप किसी ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कार्ड का नंबर, CVV नंबर और एक्सपायरी डेट डिटेल्स सेव करनी होती है और ये डिटेल्स वहाँ सेव हो जाती है। लेकिन टोकनाइजेशन से डिटेल सेव नहीं करनी होगी, केवल यूनिक कोड ही काम करेगा। RBI की इस पहल से कार्ड होल्डर्स को अपना डेटा सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। यह व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल मोबाइल फोन और टैबलेट यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई है। लेकिन दोस्तों, अभी इस प्रोसेस के अंदर कुछ ही बैंक के नाम। तो दोस्तों, ये थी टोकनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी। आप टोकनाइजेशन के बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।